Hello dear children, welcome to Dayavati Modi Public Schools English class. Today we are going to read a very special chapter. The name I'll tell you later on, right? First of all, I just want to ask each one of you, have you heard of famous people? Kya aap logo ne mashoor logo ko ke baare mein suna hai? Bahut saare mashoor log hote hain, celebrities jinhe hum bolte hain, bahut saare log, right? Un sab ke baare mein aapne suna hoga. और वो किस लिए फेमस है? वो अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग अपने फील्ड्स में वो बहुत ज्यादा मशहूर है. और डू यू थिंक दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? क्या आप सोचते हैं कि वो और बच्चों से अलग होंगे जब वो छोटे थे, राइट? और पिक्चर में राइट हियर आप नीचे देखोगे कि कुछ सेलिब्रिटीज की फोटोग्राफ आपको दिखाई देंगे. अब जो वो सेलिब्रिटीज कौन कौन से हैं, आप लोगों को ये देख के क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, राइट? डू यू थिंक, लेकिन ये देखने के बाद क्या आपके दिमाग में ये बात आई कि मैं भी मशहूर हो सकता हूँ, मैं भी कुछ आगे कर सकता हूँ? व्हाट डू यू वांट टू बी फेमस फॉर? लेकिन आपने इसके साथ साथ ये भी बात सोचनी है कि मैं मशहूर किस लिए होऊंगा, किस बात के लिए मैं मशहूर हो जाऊंगा, लोग मुझे जाने लग पड़ेंगे. What will you do to become famous? और आप क्या ऐसा काम करेंगे जिससे आप बच्चों मशहूर हो जाएंगे? Make a presentation in the class. और आपका ये homework है, आपको मुझे ये बात बतानी है. Fine. Now let's come to read the story. Page number 102. हम 102 पे आएंगे and we will read the story. And now I'll tell you the name of the lesson. The name of the lesson is it's टॉय वायलिन. ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? टॉय वायलिन. और आज हम चैप्टर का पार्ट वन करेंगे. फाइन. सो इन दिस स्टोरी इन टू पार्ट्स अ स्मॉल बॉयज पेरेंट्स थिंक देयर सन विल बी अ फेमस म्यूजिशियन. फाइंड आउट हाउ द स्मॉल बॉय बिकम्स फेमस. बच्चों इस स्टोरी के दो पार्ट है. जैसा मैंने अभी बताया, एक जो स्मॉल बॉय है, छोटा लड़का है, उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि एक दिन हमारा बच्चा बहुत ही मशहूर क्या बनेगा, म्यूजिशियन बनेगा. म्यूजिशियन कौन होता है? यानी कि जो म्यूजिक जो निकालते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, म्यूजिशियन बोलते हैं. फाइंड आउट, अब हम आइए हम जानते हैं कि वो जो छोटा सा बच्चा है वो फेमस कैसे होता है, राइट? नाउ व्हाट आर यू डूइंग एरो, आस्क्ड हिज मदर. आ मदर ने, एरो बच्चे का नाम है, उसकी माँ उसको पुकारती है, बोलती है बेटा तुम क्या कर रहे हो? Listen, Ma, the chubby 10-year-old boy replied. बड़े चहकते हुए इस बच्चे ने जवाब दिया कि मम्मा सुनो. और उसने एक ट्यून बजाई. और वो ट्यून कैसे बजाई? उसने with a fork and a few glasses of water. कितनी मजेदार थी, क्लास में पानी भरा हुआ था और फोक उसके ऊपर ऐसे 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 करके उसने फोक से म्यूजिक निकाला. Like it? और देखो सुनो मम्मा, उसने अपनी मम्मा को सुनाया. Yes, said Arrow's mother, putting his breakfast on the table. Now eat quickly. You will be late for school. तो उसने उसकी मामा उसकी साथ साथ उसका म्यूजिक भी सुन रही थी और उसकी मामा ने ब्रेकफास्ट टेबल पे ब्रेकफास्ट भी रख दिया. अरे जल्दी जल्दी से खा लो और नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. Arrow rolled some vegetables in a chapati. Arrow ने क्या करा, जल्दी जल्दी थी, उसे बहुत जल्दी लगी हुई थी, चपाती के अंदर वेजिटेबल्स को रोल कर लिया. नॉट टुडे ही लाफ, आज नहीं, ये हंसते हुए. टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल एंड आई एम इन द कॉन्सर्ट. आज स्कूल का उसका आखिरी दिन था और वो उसको म्यूजिक कॉन्सर्ट में वो भाग लेने वाला था. देन रोल इन वन हैंड एंड बैग इन द अदर. उसने एक हाथ में रोल ले लिया जो सब्जी के अंदर भर के और दूसरे हाथ में बैग ले लिया. He dashed out of the house. और वो जल्दी से घर से क्या हो गया? घर से जल्दी से वो निकल पड़ा. Arrow's mother tidied her little two-room home. How Arrow loves music, she thought. Arrow की मदर ने अपने घर को साफ सुथरे तरीके से साफ सुथरा किया और उसने सोचा Arrow को म्यूजिक कितना पसंद है, ये वो सोच रही है. ओके, Now children come to page number 103. Arrow's father was a taxi driver. Arrow का जो father है, वो एक taxi driver है. He would say one day,
एरो विल बी अ फेमस म्यूजिशियन, और उसका कहना था कि जो एरो है वो एक दिन बहुत महान जो है वो क्या बनेगा, गायक बनेगा. बट बोथ पेरेंट्स न्यू दैट एरो नीडेड स्पेशल ट्रेनिंग, लेकिन दोनों को पता था कि भाई हमारे बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है. मनी फॉर दैट, लेकिन उनके पास उसके लिए इतने पैसे ही नहीं थे. एरोज मदर थॉट सैडली, उसकी मम्मी ने बड़ी उदास होकर ये बात सोची. एरोज बेस्ट फ्रेंड पिंटू वॉज एट स्कूल गेट. एरो का जो सबसे जिगरी दोस्त था, सबसे फास्ट फ्रेंड था, वो स्कूल गेट के ऊपर उसकी उसका इंतजार कर रहा था. I've got a present for you, he said. मैं तुम्हारे लिए एक क्या लेके आया हूँ, एक तोहफा लेके आया हूँ. I found it in the dustbin, he added mischievously. और वो तोहफा भी दे रहे, जैसे आप अपने दोस्तों से मजाक कर लेते हो ना, तोहफा लाके कह रहे मैं तो मुझे तो ये डस्टबिन में से मिला था, मैं वो लेके आया हूँ, जबकि वो तो खरीद के लेके आया होगा. It was a toy violin and a bow. वो टॉय वाली वायलिन थी और उसके साथ बो था, ऐसे करके उसे चलाते हैं, like this. एरो looked carefully at the little violin. एरो ने बड़े ध्यान से छोटे से वायलिन को देखा. It was made of bamboo with a mudka at one end. वो बैम्बू की बनी हुई थी और उसके एंड में आखिरी में मडका मिट्टी का गोला था. It was only one string, और एक ही क्या थी, म्यूजिक की तार थी, मतलब एक ही तार थी उसमें. Said arrow, और एरो ने बोला, he ran his finger down the tight wire. और बड़ी टाइटली उस वायर को लगाया जाता है, तो उसने अपने हाथों को उस वायर पे ऐसे फेरा, that ran over the mud cup to the end of the bamboo, यानी ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे करके वो मड कप तक वो लगी होती है, जो उसकी वायर होती है ना वायलिन के ऊपर. आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कि पहले तो क्या होता था, ऐसे ही चीजें लेके लोग गली गली में आते थे, वो घर घर में छोटे छोटे खिलौने बनाते थे, and they used to sell. तो बहुत आसानी से ये सब चीजें मिल जाती थी, अब तो मॉल्स में मिलती है, and they are quite expensive also. Let's play it, he said. चलो आओ इसे बजाते हैं. He put the cup end of the violin under his chin and kept his violin यहाँ पे रखी होती है ऐसे, ऐसे चिन के नीचे ऐसे रखी और उसको ऐसे से बजाना है. और kept his fingers on the wire at the other end. Then he drew the bow gently across the wire, up and down. और जो बो यानी कि मुझको बजाने वाली होती है ना, उसको आगे पीछे करना होता है. A thin, sweet sound came from the wire. बहुत ही मधुर सी, बहुत ही पतली सी, लेकिन बहुत ही मधुर आवाज उस वायलिन में से जैसे उसने बजाया निकलने लग पड़ी. Like a bird singing from far away. और आवाज वो ऐसी निकल रही थी बच्चों, जैसे कि कोई चिड़िया गाना गा रही हो. In few minutes, कुछ ही पलों में, arrow began to move the bow faster over the wire. वो इतना अच्छा लर्नर था, उसे म्यूजिक की इतनी समझ थी बच्चों, उसने फर्स्ट टाइम जो है वो वायलिन को पकड़ा और धीरे धीरे उसको जब बजाना शुरू किया तो उसमें से वो इतना यूज्ड हो गया, उसमें से बहुत अच्छी उसने आवाज निकालनी शुरू कर दी. एंड द एयर वाज सडनली फुल ऑफ हैप्पी म्यूजिक, और चारों तरफ बच्चों बड़ा ही हैप्पी, बड़ा खुशनुमा माहौल हो गया, क्योंकि म्यूजिक ही म्यूजिक था. स्टॉप इट, सेड पिंटू, वो स्टार्टेड डांसिंग. व्हाट विल द टीचर्स से, जो वो जो उसका दोस्त था ना पिंटू, वो तो नाचने लग पड़ा. तो फिर उसको बोला गया, भाई रुक जाओ, तुम डांस करो, टीचर्स क्या बोलेंगे. एरोज आइज वर शाइनी, एरो की आंखों में चमक थी, मैं तो ये वायलिन ही कॉन्सर्ट में बजाने वाला हूँ, उसने बड़े खुश होके बोला. द कॉन्सर्ट वॉज इन द स्कूल हॉल, जो कॉन्सर्ट था यानी जो म्यूजिक का कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, स्कूल हॉल में होने वाला था. एरोज आइटम वॉज द लास्ट, सबसे आखिरी में एरो की टर्न थी. When the children saw the toy violin in Arrow's hands, they began to laugh. बच्चे जैसे कि आप लोग करते हो, उसके हाथ में जब toy violin देखी, उन्होंने तो हंसना शुरू कर दिया उसके ऊपर. Arrow smiled and put his fingers to his lips. Arrow ने smile किया और अपनी lips पे fingers रखी, यानी कि मैं इसकी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा. Listen, he said. और फिर उसने बजा के सुनाया. Now children come to page number 104. Okay, when he drew the bow over the wire, such sweet sounds came from the violin. Whispering stopped. वो फुसफुसा रहे थे उसके ऊपर, उसकी बात बना रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे. लेकिन जब उसने एरो ने उसे बजा के सुनाया ना उन्हें बच्चों को, तो उनकी तो बातें, उनकी फुसफुसाहट, उनकी बातें बिल्कुल बंद हो गई.
Everybody leaned forward. सारे कोई आगे की तरफ झुक गए. To hear the lovely sounds. वो आगे की तरफ झुक गए उसकी उनकी आवाज सुनने के लिए. उसकी जो उसमें से निकल रही थी. The bow and arrows had must be faster now. उसे थोड़ी देर में इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि वो जो बो थी जो बालन के ऊपर वो जल्दी जल्दी अब वो मूव करने लग पड़ा था. द लिटिल बॉय लुक डाउन एंड टैप्ड हिज फीट. और जो लड़का था एरो वो नीचे भी देख रहा था और अपने पैरों को भी टैप कर रहा था. पैरों को भी साथ साथ यानी रिदम में करने के लिए वो भी टैप कर रहा था ऐसे लाइक दिस पैर. सडनली द हॉल वाज फिल्ड विद हैप्पी साउंड. एवरीबॉडी जंप्ड अप. अब क्या हुआ कि जब वो क्या कहते हैं अब उसको जब मौका मिला बजाने का तो उसने क्या कहते हैं बजाना शुरू किया. तो अचानक ही जो हॉल था वो पूरी की पूरे हैप्पी साउंड्स में बदल गया और सारे कोई जंप करने लग पड़े. They were cheering and clapping and laughing and stamping and waving and dancing. हर तरफ लोग चीयर करने लग पड़े. जैसे चीयर कैसे कहते हैं वाओ वेरी गुड और क्लैप कर रहे थे हंस रहे थे राइट और स्टैम्पिंग अपने फीट को भी अपने स्टैम्प कर रहे थे और वेव कर रहे थे और डांस करने लग पड़े. एंड एरो कैप्टन आई. जब उसकी टर्न आई वो तो बजा ही जा रहा था. द प्रिंसिपल वाज स्माइलिंग और जो उसके सर थे प्रिंसिपल सर वो भी स्माइल कर रहे थे और जो मैन नेक्स्ट टू हिम सेड आई नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस. उनके साथ में जो आदमी बैठा था उसने कहा मैंने इतना मधुर म्यूजिक कभी भी नहीं सुना था. The man held up a camera and shot a video of everybody. और उसने अपना कैमरा लेके उसकी क्या बना ली वीडियो बना ली. So this was all about Arrow and his singing in part one. Now rest of the story में क्या होता है we'll do in part two. So bye bye children. Thank you for watching.